प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को झारखंड के रांची में चुनावी बिगुल फूंका। रांची में पीएम मोदी ने किसान मानधन योजना सहित कई विकास योजनाओं की शुरुआत की। योजना की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ किसानों को पेंशन का कार्ड भी सौंपा। इनमें देश के कई राज्यों के किसान शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में अपने भाषण की शुरुआत स्थानीय भाषा में की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि झारखंड गरीबों से जुड़ी बड़ी योजनाओं के लिए लॉन्चिंग पैड है। हमने यहां से आयुष्मान भारत, किसानों से जुड़ी बड़ी योजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव के वक्त मैंने आपसे कामगार दमदार सरकार देने का वादा किया था। बीते 100 दिन में देश ने ट्रेलर देखा है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। हमारा संकल्प है जनता को लूटने वालों को उनकी सही जगह पहुँचाने का। इस पर काम हो रहा है और कुछ लोग चले भी गए हैं। ये वो राज्य है जो गरीब और जनजातीय समुदाय के हितों की बड़ी योजनाओं का एक प्रकार से लॉन्चिंग पैड है। आतंक निरोधी कानून को और मजबूत कर दिया गया है। हमारा संकल्प है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने का। 100 दिन के भीतर ही इसकी शुरुआत हमने कर दी है। हमारा संकल्प है जनता को लूटने वालों को उनकी सही जगह पहुंचाने का। और इस पर भी बहुत तेजी से काम हो रहा है और कुछ लोग चले भी गए अंदर।